गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो अभी मैंने मंगवाया सुजाता का मिक्सर जूसर ग्राइंडर, उसमें तीनों चीज़ें हैं। मैं अब चल रहा हूँ उसकी अनबॉक्सिंग करने, और उसमें दिखाता हूँ क्या क्या उसके साथ दे रखा है। और इसके अगले वीडियो में इसको यूज़ करके भी बताऊँगा। कुछ चीज़ें हो सकता हो कि मिक्स करके या फिर ग्राइंड करके मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर 900 वाट का है, जो कि वहाँ लिखा था। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, इसके बॉक्स को। तो जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज देता है जो कि जूस मेकिंग में यूज़ होता है। मैं आगे आपको इसको भी, मतलब रैपर को हटा के खोल के भी दिखाऊंगा किस तरह कैसे होता है। कुछ यहाँ पे मेन्यू टाइप का दे रखा है जिसको हम पढ़ के देख सकते हैं कि इसका किस किस चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज दिया है उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बाकायदा यहाँ पे मेन्यू में दे रखा है। तो जो एज़ यूजुअल मिक्सर ग्राइंडर जूसर यूज़ करते हैं उन्हें तो पता होता है किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, बट जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है तो इस मैनुअल को देख के सीख सकते हैं। इसके साथ ये जार दे रखा है चटनी के लिए, ये आपका जूसर के लिए भी है, और भी चीज़ें हैं। और सुजाता का जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी इन्होंने एडवर्टाइज़ कर रखा है, उसके साथ ये मेन्यू में दे रखा है। तो भैया चलते हैं, हम ये थर्माकोल हटाते हैं और देखते हैं इसके अंदर अंदर कितनी जार्स हैं और इसके अंदर कितना हैवी मिक्सर ग्राइंडर है। ये तो काफ़ी हैवी है, ये चटनी के लिए जा रहा है। मतलब सुजाता की क्वालिटी हुंदाई एज़ कम्पेयर टू अदर मिक्सर जूसर, इसकी क्वालिटी बहुत शानदार है, हैवी क्वालिटी है बिल्कुल। ये मोस्टली कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ होता है, बट हमने पर्सनली अपने घर के लिए मंगाया हुआ है तो काफ़ी हैवी है। दूसरा एक और ये जार है जिसका प्रयोग आप ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं, मसाला वसाला आप ग्राइंड कर सकते हैं, इन सारे हार्ड कामों में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ये है बड़ा वाला जूसर और मिक्सर, जिसका आप यूज़ करके जूसर भी बना सकते हैं, और कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे आपको कोकोनट का मिल्क बनाना है या फिर और मैंगो शेक वगैरह बनाना है तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, कितना बड़ा है और ये कैसा दिखता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 लीटर का है, 1.5 लीटर आराम से आप मैंगो शेक वगैरह बना सकते हैं इसमें। आई मीन नॉट 1.5 लीटर एग्जैक्टली, क्योंकि एज साइज इसका 1.5 लीटर है तो आप 1.5 लीटर ही नहीं बनाएंगे, अदरवाइज बाहर फेंक देगा। 1 लीटर तक आराम से बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसका मेन मशीन दिखाता हूँ, ये ढक्कन्स हैं जो कि जो जार अभी मैंने निकाला था उन पे ये ढक्कन लगेगा। तो इसमें चटनी वाले जार और ग्राइंडिंग वाले जार का ढक्कन है, बाकी जो बड़ा वाला जार था उसका तो ढक्कन उस पर आप लोगों ने देखा ही था, ये चटनी के जार का ढक्कन है अभी। तो इसको रखते हैं फिलहाल में चटनी वाले जार के ऊपर और चलते हैं बॉक्स में, बॉक्स से निकाला जाएगा और आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर चटनी वाले जार पर एक उस तरीके का ऐसा ढक्कन बनता है, बैठता है, एकदम टाइट होता है। बाकी ये जार्स जो है हमारे, जिनमें हैवी ग्राइंडिंग वगैरह करना है, मसाला वगैरह पीसना है, तो उसमें काम आएंगे। अभी हम यहाँ पे जूसर को बॉक्स से निकालेंगे और आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से कैसा है दिखता है। तो बेसिकली ये बस जूसर ही नहीं है, इसमें जूसर के साथ साथ मिक्सर की 900 वाट की पूरी मशीन भी है। तो मैं इस रैपर से बाहर निकाल को दिखाऊँगा, काफ़ी हैवी, एक हाथ से नहीं उठ रहा है। पहले मैंने कैमरा भी पकड़ रखा है तो कोशिश करता हूँ एक हाथ से बाहर निकालने का। तो बाहर निकालने के बाद कुछ ऐसा इस तरीके का ये दिखता है। यहाँ पे प्रॉपर बटन दे रखा है, लॉक दे रखा है, जिसको जूसर और मशीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आगे आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से ऑन ऑफ इसको करते हैं वो चीज़ें। ये जो मैंने एक्सेसरीज पहले दिखाया था ये यूज़ होता है जूस बनाते समय, कुछ भी अगर सपोज़ आप कैरेट का जूस बना रहे हैं तो उसको कैरेट को इसमें डाल के फिर आप इसको प्रेस करेंगे। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा प्लास्टिक हटा के, अभी फ़िलहाल में जो मिक्सर हमारा है उसको दिखाते हैं। तो इसके साथ ये केबल देता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 मीटर का केबल होता है, काफ़ी हैवी केबल है जो कि कुछ जले वले कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, 3 पिन का होता है। तो अभी हटाते हैं इसके प्लास्टिक को और आप लोग को दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का ऐसा ये आप लोग को जूसर विथ मिक्सर दिख रहा है। इसमें दोनों अटैच है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही में है। यहाँ पे बटन दे रखा है ऑन ऑफ लो मीडियम का, दोनों का। इस साइड से जूस निकलता है, जब भी आप जूस वगैरह बनाएंगे तो यहाँ से जूस निकलेगा। ये यहाँ पे प्रॉपर नल की तरह दे रखा है और इसमें वेस्ट जूस का रखते हैं।
तो जो मैंने एसेसरीज पहले दिखाया था, अभी मैंने उसको प्लास्टिक से निकाल लिया, इसमें कैरेट वगैरह, टमाटो हो गया, मौसम्बी हो गया, डाल के उसमें डाल देते हैं ताकि इससे प्रेस कर सके ढंग से, और उसके बाद ये जूसर मशीन आसानी से उसको जूस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और जो राइट साइड में देख रहे हैं वहाँ पे वेस्ट जाके इकट्ठा होता है जूस वगैरह का। मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से, कैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ, इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा। तो अभी इसको मैंने हटा लिया है पूरा ऊपर का ही वाला पार्ट, ये वाला भी मैंने अभी हटा लिया है, इसके अंदर भी दे रखा है एसेसरीज। ये बेसिकली एसेसरीज का हम यूज़ क्या करते हैं कि जूस को छानने का ही काम करता है। बट जिसमें से एसेसरीज निकाले ना इस डब्बे में, ये डब्बा वेस्ट जो है कि जूस का रखता है, जूस का कचरा अपने पास स्टोर करके रखता है। तो बाय द वे ये जो जूसर की मेन छननी टाइप की मशीन है, ये उस तरीके की ऐसी है। उसके बाद और जो इसमें एसेसरीज दे रखा है ये है जो कि इसमें फिट करते हैं हम, इसमें फिट करेंगे प्रॉपरली इसमें, तभी ये हमारा जूसर चलेगा ढंग से, ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ दे रखा है गोल सा है, आगे हम इसको लगा के भी दिखाएंगे, जब यूज़ करेंगे तब दिखाएंगे किस तरीके से कैसे चलता है अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो ये जार कुछ इस तरीके से ऐसे इस पर बैठती है जो जूसर वाली है, इसको जार आप बोल लीजिए या फिर जूसर की जाली बोल लीजिए या फिर जूसर की एग्जैक्ट मशीन बोल लीजिए जिससे जूस बनता है। और इधर मैंने इस डब्बे को लगा दिया जिस डब्बे में लाइक वेस्ट वाला और जूस का रखाएगा, और ये ऊपर का इसका कवर है। वेस्ट का जूस का मतलब कि जो कचड़ा होता है, जो भी वो मेन जो जूस होता है वो तो साइड से निकलेगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अगले वीडियो में वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। बट अभी मैं इसको लॉक लगा के सेट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जूसर और मिक्सर एक में हो गया। अभी अलग अलग तो आपका मिक्सर बन गया था, अब एक में कर दिया तो जूसर और मिक्सर दोनों का ही काम करेगा। इसमें जो है कि कैरेट वगैरह डाल देंगे, इसमें कचड़ा अपना हो जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। और इसमें तो ब्रश वगैरह दे रखा है साफ़ सफाई के लिए कि उसका आम ढंग से साफ सफाई कर सके इनकेस जूसर वूसर बनाते हैं उसके बाद। तो प्रॉपर यहाँ पे सारा एसेसरीज के साथ दे रखा है, ये सारे इसके साथ एसेसरीज ही मिले हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई हो को होगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जो स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये लाइक 900 वाट का है, सुजाता का पावर मैट्रिक के प्लस वाला है। आई होप ये मिक्सर की अनबॉक्सिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।